हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पॉकेट डोसीमीटर के ऊपर, जो एक हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है और अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो पॉकेट डोसीमीटर है, ये रिजेंबल करता है एक अपने सिंपल से फाउंटेन पेन को, लेकिन ये सिंपली फाउंटेन पेन की तरह नहीं, जबकि इसके अंदर बहुत कुछ खासियतें होती हैं। इसके अंदर पूरा आयनाइजेशन चेंबर होता है जो मेजर करता है रेडिएशन की एक्सपोजर को। और सिर्फ यही नहीं, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जो पर्सनल लेवल पर डोज को मेजर कर सकता है। ये बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट रेडिएशन को इमीडिएटली हमें रीड करके बता देता है कि कितना डोज लग रहा है एक पेशेंट को और कितना डोज हमें देना चाहिए। और हम तुरंत ही सचेत हो सकते हैं कि ये मशीन जो है लीकेज कर रही है या फिर इस मशीन से डोज कम या ज़्यादा निकल रहा है। तो पर्सनल डोसीमीटर जो है, ये अपना वियरर डायरेक्टली शर्ट के ऊपर या कहीं पर पहन सकता है, या फिर वो किसी भी रेडिएशन सोर्स के सामने रख के एक्सपोजर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब जो पर्सनल ये जो पॉकेट डोसीमीटर है, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट गैस आयनाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं फंक्शंस ऑफ पॉकेट डोसीमीटर। अब सबसे पहले जो फंक्शन है, ये जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, ये वॉर्न इन पॉकेट या फिर इसको पॉकेट में आराम से कैरी करके लेके जा सकते हैं, इसको पॉकेट डोसीमीटर कहते हैं। फिल्म बैच और TLDs जो होते हैं, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, थर्मल इमिशन डोसीमीटर, फिल्म बैच, ये लॉन्ग टाइम एक्सपोजर को रीड करके एक्यूमुलेट करके हमको देता है कि 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में इतना डोज लगा। लेकिन जो अपना पॉकेट डोसीमीटर है, ये आपको इमीडिएट एक्सपोजर बताता है कि हमको 1 सेकंड के अंदर कितना एक्सपोजर लगा। ठीक है, और एडिशन में जो TLD का जो डोज रिसीव होता है, वर्कर असेस TLD का भी डोज लेवल असेस कर सकते हैं इजीली पॉकेट डोसीमीटर से। और ये बहुत ही स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइस है और इंस्टेंट एक्सपोजर की रीडिंग देता है, जैसा मैंने बताया आपको। अब अगर हम चर्चा करें इसके कंपोनेंट्स की, तो पॉकेट डोसीमीटर मेनली इस पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, और एक अपना होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो आउटर इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, या फिर हम इसको जैसे इन डायग्राम के द्वारा हम देख भी सकते हैं। ये देखिए, इसमें क्लिप है होल्ड करने के लिए, ताकि पॉकेट में आराम से होल्ड कर रख सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है फोकस करने के लिए अपने एक्सरे बीम को, एक आईपीस लेंस है, ये भी अपने एक्सरे बीम के अंदर फोकस करेगा। फिर उसके बाद एक चार्जिंग कॉन्टैक्ट है और एक आयन चेंबर है। अब यही आयन चेंबर का ही मेन फंक्शन है, जहाँ पे अपनी ज़ेनॉन गैस फिल्ड रहती है। इस ज़ेनॉन गैस पे जैसे ही एक्सरे यहाँ से आके पड़ती हैं, तो क्या होता है, तुरंत ही आयनाइजेशन कॉज होता है। आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म होते हैं, जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वाले अपने जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं वो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इसी ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, एक माइन्यूट सा इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म होता है। और इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को जब अपना रीडर मेजर करता है, तो एक वेरिएशन दिखाता है। उसी को ही हम वेरिएशंस को मेजर करके हम एक डोज एस्टिमेट कर पाते हैं कि इतना डोज पेशेंट को लगा है। तो वही हम चर्चा करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, इसमें गैस फील्ड है, इसको हम कहते हैं ज़ेनॉन। ये एक नोबल गैस है, इसमें आराम से आयनाइजेशन और एक्साइटेशन होता है। जो वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, मस्ट इंश्योर कलेक्शन ऑफ टन्स ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन विद इन द चेंबर। तो ये क्या इंश्योर करना चाहिए वोल्टेज, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो, और इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस हो तो वो विद इन द चेंबर आराम से वो मूवमेंट कर सकें। द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और इसी रिकॉर्ड करने के बाद अपना वो पॉकेट डोसीमीटर डिजिटली या फिर मैनुअली थ्रू मीन्स ऑफ एनी मीटर शो करता है कि इतना इसमें अमाउंट ऑफ रेडिएशन पड़ा। अब जितना ज़्यादा टोटल अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, उतना ज़्यादा हमें रेडिएशन अपना उतना ज़्यादा रेडिएशन डोज हमें पता लगता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ड्यू इलेक्ट्रोमीटर। अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इलेक्ट्रोमीटर से रीड होता है, जिसको हम सेल्फ रीडिंग डोसीमीटर भी कहते हैं। लेकिन आजकल उससे भी एडवांस डिजिटल डोसीमीटर्स आ गए हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चार्जिंग यूनिट की। देखिए, अब चार्जिंग यूनिट जो होती है पॉकेट डोसीमीटर, बहुत ज़रूरी है। पॉकेट डोसीमीटर बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड रहती है। ये करीब 2-6 बैटरीज भी हो सकती है आराम से। तो इनको चार्ज करने के लिए हम सिंपली जैसे अपने चार्जर्स को चार्ज लगाते हैं, वैसे इनको हम चार्ज लगाते हैं। फिर उसके बाद ये जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वगैरह होती है रेडिएशन के पड़ने की, तो वो रीडिंग ये आराम से दे पाएगा। और इसमें किस चीज़ का होता है, क्वार्ट्ज फाइबर का इस्तेमाल होता है, जो हमें शो करता है 0 रीडिंग या फिर कोई फ्लक्चुएशन की रीडिंग। कौन देता है आपको, क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना डोसीमीटर है,
ये एक्सपोज होता है आयनाइजेशन रेडिएशन पे और फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसकी डिस्चार्ज होने की वजह से हमको इसको रिपीटेडली चार्ज देना पड़ता है। तो जितना हम ज़्यादा इसको आयनाइजेशन रेडिएशन देंगे उतना ही ज़्यादा ये ससेप्टिबल रहेगा डिस्चार्ज होने के, तो हमें इसको टाइम टू टाइम चार्ज करते रहना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो भी हमको रेडिएशंस मिलती है वो किस में मिलती है, नेट मिली रोंजन्स में मिलती है, ठीक है। तो एकदम मिली रोंजन्स से अपनी रेडिएशन लेवल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं अगर हम ये अपने पॉकेट डोसीमीटर की टाइप्स की, तो ये मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक होता है सेल्फ रीडिंग और एक होता है नॉन सेल्फ रीडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ रीडिंग की, तो कुछ भी नहीं, इसमें बिल्ट इन एक इलेक्ट्रोमीटर होता है विच मेजर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे मैंने बताया ज़ेनॉन गैस के आयनाइजेशन से इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म होता है। तो इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक तो अपना चार्जर और दूसरा अपना मेन डोसीमीटर जो रीडिंग डिटेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा होता है नॉन सेल्फ रीडिंग। अब नॉन सेल्फ रीडिंग क्या होता है, इसमें एक स्पेशल एक्सेसरी इलेक्ट्रोमीटर लगा रहता है और ये जितने भी अपनी सेल्फ रीडिंग टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं इन्हें लार्जली रिप्लेस कर रखा है नॉन सेल्फ रीडिंग को। क्यों? क्योंकि नॉन सेल्फ रीडिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के डिवाइसेस होते हैं जिनके रीडिंग आसान नहीं होती है और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर लोग ही इसकी रीडिंग एक्यूमुलेटेड रीडिंग को गेस कर पाते हैं कि इसमें इतनी रीडिंग ऑफ एक्सपोजर लगा। इसलिए जो सेल्फ रीडिंग है उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रोमीटर हमको डोज बता देता है और तो हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अगर नॉन रेडिएशन प्रोफेशनल भी हो वो भी आराम से बता सकता है कि यहाँ पे रेडिएशन है कि यहाँ पे रेडिएशन नहीं है। फिर उसके बाद अपना सबसे एडवांस जो अभी चल रहा है, जो मोस्ट कॉमनली अपने डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, वो है डिजिटल पॉकेट डोसीमीटर। अब डिजिटल पॉकेट डोसीमीटर की बात है, इसमें कोई मीटर वीटर नहीं लगा है, बस ये बैटरी से चार्ज होता है और ख़ास बात इसकी ये है कि एकदम एक्यूरेट डोज रेट हमको बताता है और ये अपना गीगर मुलर काउंटर के प्रिंसिपल पर बना हुआ होता है। गीगर मुलर काउंटर तो आपने सुना ही होगा, ये एक एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसको सर गीगर और हांस मुलर ने डिस्कवर किया था। इसके ऊपर ये आपके लिए कभी ना कभी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन जो पॉकेट डोसीमीटर है ये इसी गीगर मुलर काउंटर के प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ठीक है। तो अभी जो पॉकेट डोसीमीटर है डिजिटल टाइप का, इसमें क्या होता है रीडिंग सारी डिजिटल आती हैं, तो हमको कोई भी ज़्यादा मीटर वीटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हमको इंस्टेंटेनियस रेडिएशन मिल जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो जो डिजिटल मीटर की रेंज होती है वो होती है 1 मिलीसीवर्ट से लेके 10 सीवर्ट तक, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो ही सकता है ±10% तक, ठीक है दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंस्टेंटेनियस रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा आसानी से अगर हम किसी चीज़ से रीड कर सकते हैं तो वह है डिजिटल पॉकेट डोसीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी की एडवांटेजेस पे जिसकी हम चर्चा पहले से कर चुके हैं, फिर भी आपको बता दें पॉकेट डोसीमीटर क्या है, स्मॉल इन साइज है और पोर्टेबल है, ये की पॉइंट्स है, इसको आप मार्क करते रहिए। फिर उसके बाद आते हैं ये इजी टू यूज़ है, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं इसको यूज़ करने में, तुरंत ही आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में इसने आपको बता दिया कि इसमें इतना डोज लेवल है। ये इंस्टेंटेनियस डोज रीडिंग देता है, अब ये TLD फिल्म बैच की तरह नहीं है कि डोज एक्यूमुलेट कर रहा है फिर इसको प्रोसेस करना पड़ रहा है, रीडर की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली बस ये डोज ले रहा है, बता रहा है इतना डोज है, ठीक है। रीजनेबली एक्यूरेट होता है और ये सेंसिटिव होता है रेडिएशन के, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सबसे मेन एडवांटेज क्या है, ये रीयूजेबल है, इसको हम कितनी बार 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 यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका चार्ज खत्म हम तुरंत इसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसकी छोटी मोटी डिसएडवांटेजेस तो होंगी ही, हर चीज़ की डिसएडवांटेज, सबसे इसकी की डिसएडवांटेज क्या है कि परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रह सकता है, इसमें डाटा किसी फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, कोई स्टोरिंग CD या फिर पेन ड्राइव वगैरह तो है नहीं इसमें, तो इसलिए इसकी डाटा इंस्टेंटली हट जाता है और वापस हमें नया इंस्टेंटेनियस रीडिंग दे देता है, ठीक है। और सडन मैकेनिकल शॉक वगैरह अगर पड़ जाए रीडर पे, जैसे कोई गिर गया या फिर कोई फॉल्ट आए, तो रॉन्ग रीडिंग्स भी प्रोवाइड कर सकता है और इसको बहुत ही स्मॉल डिवाइस है तो वेरी केयरफुल इसको हैंडल करना पड़ता है। और रेंज भी जैसे आपको हमने बताई थी इसकी कि बहुत ही लिमिटेड रेंज होती है, इसकी वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसकी और एक खास बात है, जैसे कि हमने बताया इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, तो इसकी पोटेंशियल होती है ऑफ डिस्चार्जिंग, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए या फिर गलती से आपके हाथ से गिर जाए, तो भी उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आराम से इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि इसके पास हमारा चार्जर तो है ही, तो हम तुरंत इसको चार्ज करके वापस से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो पे इतना ही, आशा है आपको पॉकेट डोसीमीटर से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियोस कौन से नए टॉपिक्स पे लेकर आए। चलिए, शुक्रिया।